वर्ल्ड कप की गेम ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, लेकिन अब आ गया है सेमीफाइनल्स का मरहला। चार टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पहला मैच जो है वो कल होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जबकि दूसरा मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो सुबह 5:30 बजे होगा, जबकि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच है वो रात 7:30 बजे होगा। यहाँ पर बैड न्यूज क्रिकेट फैंस के लिए ये भी आई है, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच होगा जो रात 7:30 बजे है उसमें 90% बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर ये बारिश हो जाती है और मैच बगैर किसी बॉल के ये मैच नहीं होता है तो मैच रिजर्व डे में चला जाएगा, लेकिन जो मेन मैच है वो होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, क्योंकि ये दोनों टीम जो हैं ये पहली दफा फाइनल इनमें से कोई जीतेगा, या अफगानिस्तान जीतेगा या साउथ अफ्रीका जीतेगा, और ये फर्स्ट टाइम होगा क्रिकेट हिस्ट्री में कि ये दोनों टीम्स जो है फाइनल जीतने में कामयाब होंगी अगर ये फाइनल में पहुंच जाती हैं तो। अफगानिस्तान को यहां पर इसलिए भी फेवरेट करार दिया जा रहा है क्योंकि जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने 281 रन अभी तक इस टूर्नामेंट में बना दिए हैं और हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। दूसरी तरफ इनके बॉलर भी हैं फजलुल हक फारूकी, जिन्होंने 16 विकेट्स ली हैं और वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट में, जबकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग थी इस पूरे वर्ल्ड कप में वो उस तरह से डोमिनेंट नहीं दिखाई दे रही थी। ये सबने देखा कि जिस तरह से उनकी जो लक थी वो इस टूर्नामेंट में चली है और एज सच कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है साउथ अफ्रीका की, इसीलिए जो इन दोनों मैच में जो डोमिनेंट होगा वो अफगानिस्तान नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही एक डेंजरस क्रिकेट खेल रही है इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान। तो जो फेवरेट है वो अफगानिस्तान है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच पे वो दोनों फेवरेट्स हैं, 50% चांस इंडिया का है, 50% चांस जो है वो आप कह लें इंग्लैंड का है, क्योंकि दोनों बहुत टफ टीम्स हैं। इंडिया जो जिस तरह की क्रिकेट खेलती आ रही है इस वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती आ रही है, दोनों में मेन प्लेयर जो है इंडिया में अगर आप मेन प्लेयर की बात करें तो वो रोहित शर्मा होंगे, बॉलिंग में आपके पास जो है वो बुमराह और अर्शदीप जो है ये डेंजरस हो सकते हैं। इंग्लैंड के साइड में जॉस बटलर हैं, ये भाई जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने यूएसए के खिलाफ खेली है ना, ये अगर रिदम इनका इंडिया के मैच में नजर आ गया ना तो फिर इंडिया के लिए डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। दूसरी तरफ बॉलिंग लाइन में आपके पास जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, ये थोड़ा डेंजरस जो है वो हो सकते हैं, लेकिन स्पिनिंग में आपके पास आदिल रशीद भी इंडिया के लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है ना वो आदिल रशीद के खिलाफ वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर विराट कोहली, वैसे भी वो इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं, विराट कोहली पूरे इस टूर्नामेंट में फ्लॉप गए हैं, लास्ट मैच में भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 आउट हुए हैं, तो जो सेमीफाइनल्स हैं ये बहुत ही टफ हो जाएंगे। बस देखना यह है कि फाइनल में कौन जाता है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका ये फर्स्ट टीम्स होंगी जो फाइनल जो है जाएंगी और खेलेंगी भी और जीतेंगी भी। अगर तो ये जीत गई तो ये क्रिकेट हिस्ट्री में एक नया इतिहास बनेगा अगर अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका में से कोई जीत गया, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड इतनी आसानी से इन दोनों को जीतने नहीं देंगी। माना कि अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ ज्यादा ही डेंजरस जा रही है, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड भी आगे खड़े हुए हैं, वो भी किसी सूरत जीतने नहीं देंगे।